हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय गर्ग आज एक ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिससे आप लोगों को कैरियर संबंधी सूचना मिलेगी और मिलती रहेगी। दोस्तों, मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे और पूछ रहे थे कि सर ट्रिपल सी का कोर्स क्या होता है, तो आज की ये वीडियो ट्रिपल सी के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए मैंने बनाई है। यदि आप लोगों को ये वीडियो से कुछ फ़ायदा मिलता हो या मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल लर्निंग विद विजय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करें जिससे वे इस वीडियो से हेल्प ले सकें और फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो के साथ कि ट्रिपल सी का कोर्स क्या होता है और इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। ट्रिपल सी का पूरा नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट्स। फ्रेंड्स, ये ट्रिपल सी होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। अगर हम बात करें कि ट्रिपल सी फ्रेंड्स एक संस्था है जिसका नाम है नाइलिट। एक संस्था है जिसका नाम है नाइलिट, जैसे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका पहले नाम होता था डॉएक सोसाइटी, लेकिन अब इसका नाम हो गया है नाइलिट सोसाइटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, यह संस्था गवर्नमेंट के अंडर में आती है और यह एक ऐसे ये अलग अलग तरह की कोर्सेज प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स के लिए, ट्रिपल सी, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है कोर्स। ये सारे कोर्सेज, इन कोर्सेज का करने का फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, ट्रिपल सी तो जो कोर्स है वो बेसिक कोर्स है। अगर यदि आप लोगों को सरकारी नौकरी में कहीं जाना है तो आजकल गवर्नमेंट ने दोस्तों सब सरकारी नौकरी लेने के लिए ये ट्रिपल सी का कोर्स अनिवार्य रूप से कर दिया है कि इस कोर्स को करना जरूरी है, यानी कि स्टूडेंट के पास ट्रिपल सी का सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि ट्रिपल सी क्या है, यानी कि इस करने के फायदे क्या हैं। दोस्तों, ट्रिपल सी के फायदे बहुत हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि आगे जो गवर्नमेंट को जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं उनके लिए ट्रिपल सी जरूरी है। प्लस अगर आपको अपनी एडवांस नॉलेज बढ़ानी है कंप्यूटर फील्ड में तो आप ट्रिपल सी का कोर्स भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इसका ट्रिपल सी को करने के क्या क्या फायदे हैं, इसको आप आराम से पढ़ लीजिए और आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा ट्रिपल सी क्या होता है। अब बात करते हैं कि ट्रिपल सी कहाँ से करें। ये आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि ट्रिपल सी को करने के हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रिपल सी को में एडमिशन लेने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड हैं। एक तो आप किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा कर सकते हैं, दूसरा है आप नाइलिट जो संस्था है उसमें डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन करके आप डायरेक्ट एडमिशन लेकर ये ट्रिपल सी का कोर्स कर सकते हैं। यदि आप किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें थोड़े चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। ट्रिपल सी करने के लिए पहले आपको उस इंस्टीट्यूशन में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर उसके एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर एडमिट कार्ड फिल करना पड़ेगा, ट्रिपल सी की तैयारी करनी पड़ेगी। वो सब इंस्टीट्यूशन आपको पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, लेकिन उसके आपसे चार्जेस लेता है। दूसरा मेथड है कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब है कि नाइलिट वाली वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन फीस फिल करके आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए दोस्तों बस आपको ये करना पड़ेगा, डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको बार बार, अगर आपने मान लीजिए डायरेक्ट एडमिशन ले लिया है और आपको इसके लिए बुक्स खुद अपना परचेज करनी पड़ेगी और एडमिट कार्ड भी खुद अपना डाउनलोड करना पड़ेगा, एग्ज़ाम सेंटर भी खुद देखना पड़ेगा, यानी कि अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है ले लिया है तो उसके बारे में जानकारी आपको खुद अपने आप कलेक्ट करनी पड़ेगी कि एडमिट कार्ड कब आएगा, सेंटर कहाँ होगा और सिलेबस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब आपको खुद अपना एडमिशन के बारे में
पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपको एडमिशन के बारे में पूरी जानकारी वो इंस्टीट्यूशन देगा जिसमें आपने एडमिशन लिया है। तो आप के पास दो ऑप्शन है, या तो किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा एडमिशन ले सकते हैं या फिर किसी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं नाइलिट वेबसाइट पर जाकर। दोस्तों नाइलिट एग्जाम की जो होता है वो साल में दो बार होता है, नाइलिट जो एग्जाम होता है साल में दो बार होता है, यानी कि हर 6 महीने बाद वो एग्जाम होता है। लेकिन सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसकी थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर इनकम्प्लीट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि साल में दो बार आप एग्जाम दे सकते हैं। और इस एग्जाम में, ट्रिपल सी के एग्जाम में 100 मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, और जिसमें आपको एग्जाम पास करने के लिए 50% अंक लाने जरूरी होते हैं। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बस इसमें ग्रेड बनता है, ग्रेड दोस्तों नीचे दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, क्या यदि 50 से कम है तो फेल हो जाएंगे आप, 50 से 54% पर डी ग्रेड आएगा, 55 से 64% पर सी ग्रेड आएगा, अगर 85 से ज्यादा परसेंटेज है यानी कि 85 से ज्यादा नंबर आए हैं तो आपको एस ग्रेड मिलेगा, जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसके ऊपर ग्रेड लिखा आएगा दोस्तों। अब करते हैं आगे बात कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं ट्रिपल सी के बारे में, कि ट्रिपल सी की ऐसा कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, ये क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या ट्रिपल सी को कोर्स करने की योग्यता, दोस्तों कम से कम ट्रिपल सी को करने की योग्यता कम से कम इंटर पास होना जरूरी है, ठीक है। और ट्रिपल सी के लिए कोई एज का फैक्टर नहीं है, कितनी ही बंदा कितने यानी कि कम से कम 18 साल का बंदा तो हो, 17-18 साल का जो मिनिमम एज होती है, मैक्सिमम एज के लिए कोई लिमिट नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन है कि ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए आवेदन कैसे करें। इसके लिए आवेदन दोस्तों मैंने आपको बताया था दो तरीके होते हैं, या तो किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा या फिर डायरेक्ट नाइलिट वेबसाइट के द्वारा आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साल में दो बार पेपर होते हैं, अगर एक बार आप फेल हो गए हैं तो दोबारा पेपर एग्जाम दे दीजिए, अगर फिर दोबारा हो गए तो नेक्स्ट ईयर फिर दे दीजिए, यानी कि कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है कि एडमिट कार्ड के बारे में, एडमिट कार्ड के लिए दोस्तों ये आपको नाइलिट से ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं तो वो इंस्टीट्यूशन आपको डाउनलोड करके देगा, यदि आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आप नाइलिट वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम दोस्तों आपको ऑनलाइन मिलेगा, एग्जाम ऑनलाइन कब, मतलब एग्जाम का रिजल्ट कब मिलेगा, रिजल्ट दोस्तों एग्जाम भी ऑनलाइन होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा एग्जाम भी ऑनलाइन होता है। मैंने आपसे कहा था कि इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और आपके इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं क्वेश्चन के, उसमें से एक ऑप्शन को टिक करना होता है। एग्जाम का रिजल्ट दोस्तों आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, लेकिन कब आता है इसके बारे में कोई, मतलब कि कोई फिक्स डेट नहीं होती है, थोड़ा जो डेट वेबसाइट वाले देते हैं उससे आगे पीछे भी इसका रिजल्ट आ सकता है। और सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों या तो बाय पोस्ट सर्टिफिकेट आता है आपके पास में, या फिर आप नेट से यानी कि नाइलिट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट को, अगर एग्जाम में पास हो जाते हैं तो। और इसके बारे में अगर आपको और जानकारी लेनी है तो आप नाइलिट की वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना हो तो कैसे लेते हैं, उसके लिए हम एक काम करते हैं, उसके लिए दोस्तों हम चलते हैं कहाँ पर, नाइलिट की वेबसाइट पर। नाइलिट की वेबसाइट खोल के दिखाते हैं आपको कि नाइलिट की वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ट्रिपल सी के लिए। दोस्तों मेरा सिर्फ इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि आप इंटर के बाद ट्रिपल सी का कोर्स डायरेक्ट कर सकते हैं। फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम फीस भी इतनी नहीं है दोस्तों। आप अगर आपके पास इंटर में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट इंटर में, और आपने एक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को एक विषय के रूप में लिया है, तो आप इंटर के बाद दोस्तों ट्रिपल सी का एग्जाम डायरेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि आपको, आप दोस्तों इंटर का एग्जाम, कंप्यूटर साइंस का एग्जाम देने के बाद आपको इतनी नॉलेज हो जाती है कि आप आराम से ट्रिपल सी का एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं कहाँ पर, नाइलिट की वेबसाइट पर, और देखते हैं कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना हो तो कैसे करते हैं। उसके लिए दोस्तों हम चलते हैं, हम खोलते हैं गूगल। गूगल खोलने के बाद हम यहाँ लिखते हैं नाइलिट। नाइलिट लिखने के बाद दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। एक बात हो दोस्तों, अभी दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर तो दोस्तों अगली साल जुलाई
के उसके एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं, दिसंबर 31 तक लास्ट डेट है। आप चाहें तो ऑनलाइन जाकर उसका एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो जानकारी है वो आपको सब आपको पूरी जानकारी नाइलेट की वेबसाइट मिल जाएगी। तो हम दोस्तों नाइलेट की वेबसाइट खोल के देखते हैं कि नाइलेट की वेबसाइट कैसे खुलती है और उसका फॉर्मेट कैसा आता है और हम रजिस्ट्रेशन कहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लिखते हैं नाइलेट। लिखने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर ये लिखा रहा है वेबसाइट, आप यहाँ से खोलिए और सबसे पहले जो वेबसाइट आ रही है इस वेबसाइट को खोल लीजिए। आप यहाँ से वेबसाइट खोलने के बाद दोस्तों थोड़ा वेट करिए, ये आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। देखिए आपके सामने वेबसाइट खुल के आ रही है। दोस्तों इसका एड्रेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, है ना। आप वहां से भी डायरेक्ट अपने रजिस्ट्रेशन मतलब कि उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है सर्विस के अंदर। सर्विस आपको मेन्यू दिखाई दे रही है, सर्विस में ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा वेट करिए, ये आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारे ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। आप कोई भी ऑप्शन पर क्लिक करके इसके बारे में जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हम करते हैं अप्लाई ऑनलाइन। ऊपर से फोर्थ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4। आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दीजिए। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद एक आपके सामने एक नया पेज और खुलकर आएगा, और नया पेज जो खुलकर आएगा दोस्तों उसी पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल के आएगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। देखो दोस्तों अब सामने आपके सामने नाइलेट का रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आ गया है। यहाँ पर लिखा आ रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय स्टूडेंट, आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय ए क्लिक बाय ए स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा नया। देखो दोस्तों सामने आपको ट्रिपल सी से संबंधित जानकारी दिखाई दे रही है। आपको पेज को थोड़ा नीचे ले जाना है। नीचे ले जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दीजिए। अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको जो सामने खुल कर आ रहा है इसको बंद कर दीजिए। देखो दोस्तों सामने खुल कर आ रहा है ट्रिपल सी का कोर्स करना है या आपको डॉक का ओ लेवल करना है, ए लेवल करना है, बी लेवल करना है, बी लेवल करना है, सी लेवल करना है, तो कोई सा भी आप कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो आप यहां से ट्रिपल सी पर क्लिक कर दीजिए। ट्रिपल सी का कोर्स आपको सामने दिखाई दे रहा है, आप यहां पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने खुल के आ रहा है दोस्तों, ट्रिपल सी का खुल के आ गया है। आपको नीचे देखो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन आप लोग यहां से आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। आपको यहां पर चेक करना है, चेक करके यहां पर आपको एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ट्रिपल सी का फॉर्म खुलकर आ गया है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी, एग्जाम फॉर्म भरने के लिए भी। आपको यहां से पूरी जानकारी आप यहां पर फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन ये मांग रहा है आपको यहां पर फिल करनी पड़ेगी। आपको यहां पर फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा, आपको यहां पर सिग्नेचर भी अपलोड करने पड़ेंगे, और आपको अपने थंब इम्प्रेशन यानी कि आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद यानी कि पूरी जानकारी करने के बाद, और एक बात और, यहाँ से आप एग्जाम सेंटर भी दे सकते हैं दोस्तों। एग्जाम सेंटर के लिए जो आपके घर के आसपास का सिटी हो, शहर हो, आप वो शहर को चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ को सबमिट कर देना है। उसके बाद आपसे फीस का फिर बारे में डिटेल्स पूछेगा। आप चाहे तो ऑनलाइन फीस कर दीजिएगा, ऑनलाइन यानी मीन्स अगर आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी फीस जमा कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा भी फीस जमा कर सकते हैं दोस्तों। फीस जमा करने के बाद फिर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। बाद में कुछ दिन बाद उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप एग्जाम अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। एडमिट कार्ड निकालने के बाद दोस्तों फिर आप यहां से फिर एग्जाम के लिए आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड निकालने के बाद फिर आप एग्जाम दे सकते हैं ऑनलाइन। सेंटर कहां पड़ेगा, आप जो शहर का नाम चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उस सेंटर वहां उस शहर में कोई सा एक कंप्यूटर सेंटर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा।
आपको उस सेंटर पे जाकर वो एग्जाम आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये है ट्रिपल सी के बारे में जानकारी। इस ट्रिपल सी के बारे में जानकारी आप लोगों को कैसी अच्छी लगी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। और जो भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको ट्रिपल सी संबंधित इन्फॉर्मेशन मेरे से चाहिए वो प्लीज़ कमेंट पर लिखकर मुझे लिखकर भेजिए, मैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा कैसे ट्रिपल सी के बारे में और क्या क्या हो सकता है। वैसे पूरी जानकारी आपको नाइलिट की वेबसाइट पर सब कुछ मिल जाएगा, तो आप वहां से जानकारी को पूरा पढ़ सकते हैं दोस्तों। ट्रिपल सी का कोर्स इतना महंगा भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है, यानी कि आप लोग आराम से एक दो महीने, और बुक्स इसकी मार्केट में काफ़ी अवेलेबल हैं, वहाँ से बुक्स खरीद कर आप पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस क्या है? सिलेबस आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप सिलेबस देख लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़े से एक दो महीने मेहनत करने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है आप लोगों को ट्रिपल सी का कोर्स आप लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है कितना फ़ायदेमंद नहीं है ये बताने के लिए। दोस्तों कुछ वीडियो मैं बीच में ऐसी बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा जो आपको करियर से संबंधित काफ़ी आपको हेल्प कर सके, तो इसके बारे में दोस्तों मुझे आप ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।